कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दिया और उसका शीशा टूट गया। वो कुल मिला के 10 लोग थे। उन 10 लोगों में 4 लोग एक परिवार के थे और 2-3 लोग उन परिवारों के थे जिनके रिश्तेदार कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि जो आदमी कांग्रेस का टिकट मांग रहा है और कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के सामने ही पत्थरबाजी करा रहा है, तो उसको क्या आप जनविरोध कहोगे? ये कोई जनविरोध नहीं है, ये सब स्पॉन्सर्ड चल रहा है प्रोग्राम। और ये 2-4 यूट्यूबर हैं, उनको इन्होंने हायर कर रखा है और उनका काम है भाई उन चीज़ों को दिखाना जिससे ऐसा लगे भाई इलाके में कुछ हुआ नहीं है। आज भी मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के 80-70% गाँवों में निजी तौर से दौरा कर चुका हूँ पिछले 3 महीने में। कहीं कोई ऐसी विरोध की बात कोई आदमी नहीं कर रहा, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के पक्ष में माहौल है। जो विकास कार्य गहलोत साहब ने किए हैं जनता के लिए, जो योजनाएं दी हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन इस बात को जानता है, चाहे भरतपुर में कोई प्रोग्राम हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, जयपुर में हुआ हो, भारत जोड़ो यात्रा हुई हो, कुछ भी कांग्रेस का प्रोग्राम हो, चाहे राहुल जी ने जब ईडी ने उनको नोटिस दिया था, वहां प्रदर्शन हो, उनके साथ गिरफ्तारी हो, कामा हमेशा अव्वल रहा है। तो अगर जाहिदा जी का विरोध होता और लोग उसके साथ नहीं जुड़े होते तो क्या यह संभव है कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग उनके मात्र टेलीफोन से चले जाते हैं? ये उनका निजी असर है, कांग्रेस के साथ लोगों का प्रेम है और अपने नेता के साथ उनका जुड़ाव है और इस चीज को सारा संगठन जानता है। तो रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा। आप रिकॉर्ड में देखिए कि जितनी भी रैलियां, जितने भी संगठन के कार्यक्रम हुए, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ कहां से? देखिए, ये जो विरोध है ये स्पॉन्सर्ड विरोध है। ये दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ पड़ोसी जो कांग्रेस हलकों से कांग्रेस के लोग हैं, वो इस विरोध को करवा रहे हैं। और आप भी जानते हो कि कोई विधानसभा क्षेत्र हो, कोई भी नेता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 के 100 आदमी उसके साथ होते हैं। आखिरकार जाहिदा 40,000 वोट से जीती, फिर भी 73,000 वोटों ने तो बीजेपी को वोट दिया था। तो अगर मान ले उसको 50 आदमी 100 आदमी अगर कोई विरोध कर रहे हैं या और यूट्यूबर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे तो ये पूरा हल्के में इसका विरोध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जनता कामा की, कामा के लोग ये जानते हैं कि पिछले 25-30 साल से जब से चौधरी तैयब हुसैन साहब यहाँ आए हैं, यहाँ दलालों की प्रथा ख़त्म हुई है और यहाँ विकास के लिए लोग सोचने लगे हैं। और कामा विधानसभा में इस पूरे टेन्योर में, ख़ासतौर से इन 4.5 सालों में, गहलोत साहब की मेहरबानी से जाहिदा ने शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, सड़क, हर क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। कामा विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में पूरे भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा विकास विकसित क्षेत्रों में है। जो विरोध कर रहे हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई AIM से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों का निजी विरोध है जो वर्षों से हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो ये सारे 20-30 लोग इकट्ठे हो गए और इनको जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो डायरेक्शन देते हैं, देखो अब तुमको ये करना है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी जब कांग्रेस के प्रवक्षक 20 तारीख को यहाँ आए थे तो कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दिया और उसका शीशा टूट गया। वो कुल मिला के 10 लोग थे। उन 10 लोगों में 4 लोग एक परिवार के थे और 2-3 लोग उन परिवारों के थे जिनके रिश्तेदार कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि जो आदमी कांग्रेस का टिकट मांग रहा है और कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के सामने ही पत्थरबाजी करा रहा है, तो उसको क्या आप जनविरोध कहोगे? ये कोई जनविरोध नहीं है, ये सब स्पॉन्सर्ड चल रहा है प्रोग्राम। और ये 2-4 यूट्यूबर हैं, उनको इन्होंने हायर कर रखा है और उनका काम है भाई कोई उन चीज़ों को दिखाना जिससे ऐसा लगे भाई इलाके में कुछ हुआ नहीं है। आज भी मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के 80-70% गाँवों में निजी तौर से दौरा कर चुका हूँ पिछले 3 महीने में। कहीं कोई ऐसी विरोध की बात कोई आदमी नहीं कर रहा, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के पक्ष में माहौल है। जो विकास कार्य गहलोत साहब ने किए हैं जनता के लिए, जो योजनाएं दी हैं, उससे लोग संतुष्ट हैं। जाहिदा जी का अपना जो असर है, उनकी जो अपनी जो लॉबिंग है, वो पहले से ही मजबूत है और कोई वजह नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव ना जीते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि एक षड्यंत्र के तौर पर उसमें कुछ बीजेपी के लोग भी ये चाहते हैं। आप अंदाज लगाइए कि बीजेपी को कामा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही किसको उतारें, और बीजेपी ने कुछ लोगों को कांग्रेस में घुसाकर कांग्रेस का विरोध करवाना है कि जाहिदा को टिकट मत दो। क्या मतलब है इस बात का? बीजेपी विरोध करे ना हमारा, कांग्रेस में घुसकर कांग्रेस बनकर क्यों विरोध कर रहे हैं? तो ये सब चीजें लोग समझ रहे हैं इसको, लेकिन आप जानते हो मीडिया का रुख रहा है और वो अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये जनविरोध नहीं है बिल्कुल भी और ये लोगों का पूरा समर्थन है, वो नहीं है। तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, जिनको पता है इस चीज़ का, वो सब समझते हैं इन बातों को।
लेकिन अब जाहिर है कि कुछ लोगों का काम है बदनामी करना, हंगामा खड़ा करवाना, वो कर रहे हैं इस काम को। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है वो हमारे आसपास के जो कांग्रेस के नेता उनका है, और कुछ बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेसियों को ये समझा रखा है कि तुम डायरेक्ट जायदा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो कांग्रेस ही बनकर कांग्रेस में विरोध करो। गांव गांव से जो पुतला जला दी की वीडियो सामने आ रही है, विरोध की वीडियो सामने आ रही है, इनमें कितनी सच्चाई? मुझे एक बात बताइए, अगर 10 आदमी किसी का पुतला जलाए तो ऐसा कौन सा गांव है जिसमें 5 या 10 आदमी ऐसे नहीं होंगे जो किसी अलग पार्टी को समर्थित होंगे? वो भाजपा समर्थित हो सकते हैं, वो निजी तौर से नाराज हो सकते हैं, वो किसी कांग्रेसी के जो लोग इसको करवा रहे हैं उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, या वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पैसा देकर यह काम करवाया जा रहा है। ऐसा कौन सी जगह है जहां 10-20 आदमियों को आप इकट्ठा नहीं कर सकता? सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें वहां के लोकल और आम लोग इसमें शामिल नहीं है, ये बाहर के लोग और 2-4 लोकल लोगों को पकड़ के ये ड्रामा किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई गांव का विरोध हो। एक टिकट को लेकर क्या चल रहा है अभी क्षेत्र में? ये भी गलत अफवाहें उड़ रही हैं कि मंत्री जाहिदा खान को इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही है, क्या है पूरा? देखिए, जाहिदा ने कांग्रेस को पिछले 25-30 साल में मेवात क्षेत्र में जिंदा रखा है और उसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का संगठन इस बात को जानता है, चाहे भरतपुर में कोई प्रोग्राम हुआ हो, दिल्ली में हुआ हो, जयपुर में हुआ हो, भारत जोड़ो यात्रा हुई हो, कुछ भी कांग्रेस का प्रोग्राम हो, चाहे राहुल जी ने जब ईडी ने उनको नोटिस दिया था वहां प्रदर्शन हो, उनके साथ गिरफ्तारी हो, कामा हमेशा अव्वल रहा है। तो अगर जाहिदा जी का विरोध होता और लोग उसके साथ नहीं जुड़े होते तो क्या यह संभव है कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग उनके मात्र टेलीफोन से चले जाते हैं? ये उनका निजी असर है और कांग्रेस के साथ लोगों का प्रेम है और अपने नेता के साथ उनका जुड़ाव है और इस चीज को सारा संगठन जानता है। तो रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड में देखिए कि जितनी भी रैलियां, जितने भी संगठन के कार्यक्रम हुए उसमें सबसे ज्यादा भीड़ कहां से गई।